वीडियो के एंड में एक ऐसा पर्टिकुलर बुक का नाम बताऊंगा जिस पर्टिकुलर बुक को आपने अगर फॉलो कर लिया तो आपका बीकॉन सेमेस्टर वन में मोर देन 80% एमसीक्यू पेपर्स में आराम से आ सकता है। तो दोस्तों वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। हम आज बात करेंगे बेस्ट बुक्स फॉर बीकॉन सेमेस्टर वन अंडर न्यू सिलेबस। तो पुराना बुक्स बिल्कुल भी नहीं देखना है, जो न्यू सिलेबस के अंदर आता होगा वही बुक्स आप लोग देखिए, जो बुक्स आपके लिए हो सकता है बेस्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो हम लोग ने चालू किया है फ्री बीकॉम सेमेस्टर वन क्लासेस, जहां पे हम आपको यूट्यूब में डेली फ्री बीकॉम सेमेस्टर वन का क्लास प्रोवाइड करेंगे। बस आप लोगों को अगर ये क्लासेस चाहिए तो आप लोग को 6 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो देखिए ये वीडियो को लाइक कीजिए, सेकेंड स्टेप सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल को, जितना ज्यादा सब्सक्राइब होगा उतना ज्यादा डेली बेसिस पे ये वीडियोस आएंगे, ये लेक्चर्स आएंगे, जो कि आपका बचा सकता है 15,000, 20,000, 25,000 जो आप प्राइवेट ट्यूशंस में खर्चे करेंगे। स्टेप 3 आपको करना है यहाँ पे शेयर, जितना ज्यादा हो सके ये वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा ऑडियंस रहेगा उतना ज्यादा मेरे को मतलब डेली वीडियोस बनाने में मन लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 4, आपको ये टेलीग्राम चैनल पर तो पक्का से पक्का ज्वाइन हो जाना है और उसके साथ डिस्कशन ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां ही नोट्स आएंगे सारे के सारे। स्टेप 5, ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। तो व्हाट्सएप ग्रुप का सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है, जहां पे मैं पर्सनल लेवल पे डाउट्स लूंगा तो बहुत ज्यादा लिमिटेड सीट्स है, इसी के वजह से जल्दी जल्दी ज्वाइन कर जाइए। एक लिमिटेड कैपेसिटी पूरा होने के बाद हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए स्टेप 6, आप लोगों को कमेंट में लिखना है, थोड़ा फीडबैक दो, कमेंट सेक्शन का थोड़ा यूज करो। अब हम बताते हैं सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक्स क्या क्या रहेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट का। देखिए अब आपका एग्जाम न्यू सिलेबस के अंदर में 75 मार्क्स का होने जा रहा है। ऑलरेडी मैंने सिलेबस का चर्चा कर दिया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, मतलब क्या क्या चैप्टर्स अवेलेबल रहेंगे बीकॉम सेमेस्टर फॉर न्यू कोर्स। यहां पे देख लीजिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपको कौन कौन सा बुक लेना है मैं आपको दिखा देता हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक होता है सॉल्व्ड, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन यहां पे आपका सॉल्व्ड रहेगा। एक होता है अनसॉल्व्ड बुक, मैं ये भी बताऊंगा कि मुझको कौन सा पसंद है। तो अगर सॉल्व्ड का बात करें तो सॉल्व्ड का अभी सॉल्व्ड का आप लोग ले सकते हैं अमिताभ दास का बुक, या तो हनीफ मुखर्जी का, ठीक है, अमिताभ दास या तो हनीफ मुखर्जी, इनमें से कोई भी आप लोग बुक ले सकते हैं, बहुत बेस्ट बुक है ये। अनसॉल्व्ड का बात करें तो मेरा पर्सनल फेवरेट है यहां पे बासु एंड दास, जिसमें ये अनसॉल्व्ड रहेगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा खर्चा कर लीजिए लेकिन सॉल्व्ड वाला बुक लीजिएगा, जिसमें आपका ईयर वाइज क्वेश्चंस एंड बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्व्ड करके दिया होगा वहां पे, ठीक है। तो सॉल्व्ड बुक बिल्कुल लीजिएगा। अगर आप बोले कि मेरा प्रायोरिटी क्या है, अमिताभ दास या हनीफ मुखर्जी, तो मैं अगर रहता तो अमिताभ दास चुनता, ठीक है। बाकी ये दोनों बुक ही बेस्ट है, अपने अपने हिसाब से दोनों बुक ही बेस्ट है, लेकिन मैं अगर रहता तो अमिताभ दास चुनता, ठीक है। तो अकाउंट्स का हम आपको बता दिए कौन कौन सा बुक बेस्ट है, एक सॉल्व्ड एक अनसॉल्व्ड, ठीक है। अब बताएंगे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का। वीडियो के एंड तक जरूर रुकना, वीडियो के एंड में एक ऐसा बुक का नाम बताऊंगा जिसमें सारा का सारा बुक का एमसीक्यू तुमको कवर हो जाएगा, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है जिसको तुम पढ़ के 80% से ज्यादा ले आ सकते हो आराम से। अब बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेस्ट बुक्स यहां पे आप लोग अजय कुमार नंदी ले सकते हैं, अजय कुमार नंदी, मार्केट में जाके पूछिएगा, कॉलेज स्ट्रीट चला जाइए और वहीं पे आप लोग को सब मिल जाएगा, या तो आप लोग पंचन्नो दास ले सकते हैं, ठीक है। न्यू सिलेबस के अंदर में यही बुक बहुत ज्यादा अच्छा बुक है, इसीलिए न्यू सिलेबस के बुक्स को ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ओल्ड सिलेबस वाला बुक को फॉलो मत कीजिएगा वरना आपका नुकसान हो जाएगा। तो आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम बता दिए, अजय कुमार नंदी ले सकते हैं, बंगाली वर्जन भी मिलता है और इंग्लिश वर्जन भी मिलता है, और पंचन्नो दास का भी यहाँ पे ये सिर्फ इसका ये पंचन्नो दास का इंग्लिश वर्जन ही सिर्फ मिलेगा आपको। तो अगर मैं अपना पर्सनल फेवरेट बताऊं तो अजय कुमार नंदी आप लोग ले सकते हैं।
मैं ये भी बताऊंगा कि एमसीक्यू बुक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसीलिए वीडियो के एंड तक आप लोगों को रुकना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो कि सेम फोर में हुआ करता था। किसमें हुआ करता था? सेम फोर में। अभी न्यू सिलेबस के अंदर में सेम वन में आ चुका है अभी, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को बेहद सा बात है कि सेम फोर का जो बेस्ट राइटर होगा वही लिखेगा। तो ईडीबी का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक यहां पे डॉक्टर साहिली घोष, आप लोग ये वाला बुक जरूर ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन बुक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो कि आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा। अभी हो सकता होगा कि अभी छप रहा होगा बहुत सारा बुक, इसीलिए अभी ना मिले, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा बुक लेना चाहिए कौन सा बुक नहीं लेना चाहिए, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिए। इसलिए लास्ट बुक आपका देखिए यहां पे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है, जो पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता था उसी का नाम अभी हो गया प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट है। इसके लिए सबसे बेस्ट बुक आपका हो सकता है सूरज कुमार देवनाथ, सूरज कुमार देवनाथ, या तो सुशील मुखर्जी, या तो सुशील मुखर्जी, सूरज कुमार देवनाथ या तो सुशील मुखर्जी, दोनों ही बेस्ट है, दोनों को ही मैं बहुत ही बेस्ट मानता हूं, ठीक है। आप लोग इसमें से कोई भी बुक ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को एमसीक्यू पेपर बहुत ज्यादा डिटेल्ड वे में पढ़ना है तब आप लोगों को ये सब बुक्स लेना है, ठीक है। मैं आपको बता दिया कौन कौन सा बुक्स। अब बारी है कि वो ब्रह्मास्त्र बुक बोलने का, जो बुक के वजह से आप 80% से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। वो बुक अगर आप ऐड कर लिए अपना ये लिस्ट में तो आप लोग 80% से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं ऑल एमसीक्यू पेपर्स के लिए, जितना भी आपका एमसीक्यू पेपर्स है, मैं बता दूं कौन कौन सा आपका एमसीक्यू पेपर है, एंड तक देखना, वीडियो को बहुत जरूरी है, वीडियो को लाइक फटाफट से कीजिए, तभी आप लोगों को फ्री क्लासेस यहां पे मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। यहां पे देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया आपका सब्जेक्टिव, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्टिव है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एमसीक्यू पेपर नहीं बोल सकते, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, और एक सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा कम्युनिकेटिव इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश। तो ये चारों के चारों एमसीक्यू पेपर्स के लिए आप लोगों का सबसे बेस्ट बुक माना जाता है मिशन एमसीक्यू, उसमें बहुत सारा एमसीक्यू दिया रहता है। तो याद रखिएगा ये आपको लेटेस्ट वाला वर्जन लेना है, जिसमें ईडीबी भी आ जाएगा, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी आ जाएगा। तो मिशन एमसीक्यू तो पक्का से पक्का लीजिए, इसमें आपका एश्योरिटी रहता है कि 80% कॉमन आते हैं, ठीक है, 80% क्वेश्चन कॉमन आते हैं। अगर मिशन एमसीक्यू को पूरा छाट के तुम चले गए ना तो एमसीक्यू पेपर्स में 80% से ज्यादा आएंगे। अगर कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो वो कौन कौन सा बुक ले सकता है? वो सिर्फ अकाउंट्स का बुक ले लेगा, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है और वो ज्यादा डिटेल्ड में नहीं पढ़ना चाहता, उसका ज्यादा 99% का एम अगर नहीं है, उसको 70-80% से खुशी मिल जाता है नॉर्मली, तो वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बुक ले ले, अमिताभ दास या तो हनीफ मुखर्जी। मैं तो सॉल्व्ड वाला ही यहां पे प्रेफरेंस करूंगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं ईयरली वाइज क्वेश्चन यहां पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बुक और मिशन एमसीक्यू वो लोग ले सकते हैं, मतलब दो बुक से ही उनका काम चल जाएगा, जो लोग ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल्ड में ये कंसेप्ट पूरा करना है, बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स लाना है, बीकॉम के लिए बहुत ज्यादा तैयारी करनी है, वो लोग ये सब सारे बुक्स रेफर कर सकते हैं। मैंने सब कुछ एकदम डिटेल्ड में बता दिया है और आप लोगों को यही सब सारा बुक फॉलो करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।